कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो T20 वर्ल्ड कप में मैच होने वाले है ग्रुप स्टेज में 24 अक्टूबर 2021 के दिन। इस मैच के बारे में बात करेंगे कि किस टीम के जीतने के ज्यादा चांसेस है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आप बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे और कई लोगों के तो मैसेज भी आए कि यूजर है जिगर पांचाल करके, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज किए थे। इनके अलावा भी बहुत सारे यूजर्स थे जिनका ये सजेशन था, जिनकी ये डिमांड थी कि आप भारत पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उसके बारे में प्रेडिक्शन कीजिए। और एक साल हो चुका है हमारे चैनल को, भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल को, और इसी के साथ 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। इनफैक्ट अभी तो फिलहाल 1500 से ज्यादा हो चुके हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस भास्कर एस्ट्रो फैमिली में आप जोड़ें, उनको भी सब्सक्राइब करवाएं चैनल, और आप जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उनको आप फॉरवर्ड कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया ग्रुप में। और ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसा करके आप एलिजिबल हो सकते हैं, हमारा जो फ्री कंसल्टेशन चल रहा है निःशुल्क परामर्श, उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है इसी चैनल पे, उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसमें मेंशन कर दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और उसमें पूरी प्रोसीजर है कि आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं निःशुल्क परामर्श के लिए। जिन लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं बेल आइकॉन, उसको आप प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद में 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे आप टैप कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और सिर्फ आप वो वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट मैच होने वाला है T20 मैच 24 अक्टूबर 2021 के दिन, उसके बारे में। देखिए 17 अक्टूबर 2021 से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, जो कि दुबई और ओमान में खेला जाएगा। ज्यादातर मैच हालांकि दुबई में होंगे। इसे टूर्नामेंट में T20 मैन ICC T20 मैन्स वर्ल्ड कप 2021, इस टूर्नामेंट में इसमें 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है T20 मैच, और जिसमें भारत की तरफ से कप्तान जो है वो विराट कोहली रहेंगे, और पाकिस्तान के जो कप्तान होंगे वो बाबर आजम होंगे। अभी जो स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है दोनों बोर्ड्स की तरफ से, तो उसमें ये स्थिति है। तो हम यही मानकर चलते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी विराट कोहली करेंगे और पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे बाबर आजम। और शायद ये भारत का पहला ही मैच है टूर्नामेंट में, ग्रुप बी में, आई थिंक भारत ग्रुप बी में है, तो उसमें ये पहला ही मैच है भारत का पाकिस्तान के साथ। ये मैच होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में, ये दुबई में खेला जाएगा शाम को 6 बजे से। तो चलिए देखते हैं। और देखिए एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार, एक साल हो चुका है, लगभग 100 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्रेडिक्शंस कई बार मैं कर चुका हूँ, लेकिन ग्रह गोचर के अनुसार की है और ग्रहों की स्थिति पर कुंडली विश्लेषण किया है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि मैं टैरो रीडिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुंडली नहीं है, मेरे पास विराट कोहली की तो कुंडली है और बाबर आजम की नहीं है, तो इससे यहाँ पर हमें टैरो कार्ड से ये क्वेश्चंस करना पड़े, टैरो कार्ड के थ्रू ये पता करने की कोशिश की कि कौन मैच जीतेगा, किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, किसके चांसेस ज्यादा है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग के बेस पे, ये इसको बेस मानकर आप किसी भी तरह का सट्टा या कोई बैट वगैरह में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सिर्फ आपके रिस्क पर होगा। ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ आपके डिमांड पर, और आपको ना ही ऐसा कोई गलत काम करना चाहिए इस वीडियो को देखकर, या इस वीडियो में जो बातें कही गई है उसके बेस पे अगर आप किसी तरह का बेटिंग करते हैं या सट्टा वगैरह लगाते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। देखिए मैंने अलग अलग क्वेश्चंस किए। पहला क्वेश्चन ये था कि
24 अक्टूबर 2021 का दिन विराट कोहली के लिए कैसा रहेगा? तो जब ये मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे ये कार्ड्स आए, ये कार्ड्स है नाइन ऑफ वेंड्स, शायद मैं आपको दिखा पाऊं, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, देन पेज ऑफ वेंड्स, ये कार्ड, और उसके बाद आया नाइन ऑफ कप्स। तो ये तीन कार्ड आए। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन ये था कि विराट कोहली के लिए दिन कैसा रहेगा। देखिए, ओवरऑल विराट कोहली के लिए दिन तो काफी अच्छा है, और हालांकि देखिए इनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू जरूर हो सकते हैं, हो सकता है मैच के दिन या मैच से थोड़ा पहले शुरुआत में या सुबह इनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ये वहां पर थोड़ा सा डावाडोल स्थिति रहेगी, लेकिन ओवरऑल दिन इनके लिए अच्छा है। ये मैच में खेलेंगे, खेलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और विराट कोहली ही मैच में कप्तानी करेंगे इसकी उम्मीद भी ज्यादा है। सुबह का अगर जो टाइम है इन्होंने अच्छे से निकाल लिया, रिकवर हो गए, तो फिर दिन इनके लिए काफी अच्छा है, फिर ये जो चाहेंगे वैसा दिन इनका चलता जाएगा। तो ये तो था विराट कोहली के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान के जो कप्तान हैं बाबर आजम, उनके लिए दिन कैसा है। तो उनके लिए मैंने कार्ड पिक किए हैं 10 ऑफ पेंटेकल्स, अगर आपको दिख रहा हो 10 ऑफ पेंटेकल्स, देन 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये वाला कार्ड है, और उसके बाद एस ऑफ सॉर्ड्स, ये वाला कार्ड है। तो ओवरऑल इनके लिए भी दिन अच्छा है, बाबर आजम का भी दिन काफी अच्छा है, और ये बिल्कुल रेडी रहेंगे मेंटली, फिजिकली, सब तरह तरह से रेडी रहेंगे कि भारत के साथ मैच है, और अगर वर्ल्ड कप में देखा जाए तो पाकिस्तान का जो प्रदर्शन है भारत के खिलाफ, खास करके वर्ल्ड कप के मैचों में, बहुत अच्छा नहीं रहा है। लगभग लगभग भारत ही हर मैच जीता है, तो उसके लिए ये मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, पहले से इनको पता है सारी चीजें, ये मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। हाँ, एक बात जो इनके फेवर में नहीं जा सकती है वो ये है कि कोई अच्छा प्लेयर होगा पाकिस्तान का जिसको ये प्लेइंग 11 में शामिल करने की सोच रहे हैं या बिल्कुल उसका स्थान तय है, तो हो सकता है कि वो प्लेयर एंड मोमेंट में जाके अनफिट हो जाए, या फिर हो सकता है कि बाकी जो मैनेजमेंट है उनका डिसीजन उस प्लेयर के अगेंस्ट में जाए कि नहीं, इस प्लेयर को नहीं, इस प्लेयर को आपको लेना चाहिए, तो वहां पर थोड़ा सा टीम सिलेक्शन में या फिर प्लेयर्स की तरफ से इनको एंड मोमेंट पे जाके थोड़ा सा कुछ परेशानी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि लक फैक्टर कैसा रहेगा, भाग्य का साथ किसको ज्यादा मिलेगा, कौन लक फैक्टर में बाजी मारेगा। तो उसके लिए भारत, मैंने विराट कोहली का देखा या टीम इंडिया का, कि टीम इंडिया का लक फैक्टर कैसा है, उसके लिए ये कार्ड आया है, किंग ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आया है, और नाइट ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आया है, और इसी के साथ में 7 ऑफ शॉर्ट्स, तीनों कार्ड शॉर्ट्स के हैं। तो ओवरऑल लक फैक्टर की अगर हम बात करें भारत के लिए अच्छा है, लगभग लगभग 75-80% लक फैक्टर भारत के फेवर में रहेगा, अगर भारतीय क्रिकेट टीम के लक फैक्टर की बात करें तो। अब अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लक फैक्टर की बात करें तो उसके लिए कार्ड आए हैं 2 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ वेंड्स कार्ड है, इसके अलावा 5 ऑफ पेंटेकल्स कार्ड है, ये वाला, और द स्टार कार्ड, ये वाला। तो ओवरऑल पाकिस्तान का लक फैक्टर एज कम्पेयर टू भारत, अगर भारत के कंपैरिजन में बात करें तो थोड़ा सा कमजोर रहेगा। जैसे मैंने भारत का बताया कि 75 या 70-80% रहेगा, तो पाकिस्तान का 60-70% लक फैक्टर पाकिस्तान के फेवर में रह सकता है। तो ये तो थी दिन कैसा रहेगा, लक फैक्टर। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन ओवरऑल दोनों में, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, ओवरऑल कैसा रहेगा। उसके लिए कार्ड आया है द डेविल कार्ड, ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, देन उसके बाद पेज ऑफ शॉर्ट्स कार्ड, ये वाला, और उसके बाद मैजिशियन कार्ड, ये कार्ड आए हैं। जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि भारतीय क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, देखिए भारत के प्रदर्शन की अगर हम बात करें
तो ये तीन कार्ड जो मैंने आपको दिखाया, डेविल कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड और द मैजिशियन कार्ड, ये तीनों कार्ड, ये दो कार्ड ये शो करते हैं कि डेविल कार्ड ये शो करता है कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस में खेलेंगे भारत के खिलाड़ी, प्रेशर में खेलेंगे, खुलकर खेल नहीं पाएंगे जैसा नेचुरली वो खेलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी करेंगे, बॉलर्स हैं तो सही जगह पर बॉल नहीं डाल पाएंगे या बैट्समैन सही शॉट नहीं खेल पाएंगे, इस तरह की स्थिति बनेगी। द मेजिशियन कार्ड ये सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है और ये कार्ड ये शो करता है कि जो ऑलराउंडर होगा टीम में, जिसको ऑलराउंडर की भूमिका दी जाएगी, या फिर जो ऑलराउंडर है जो बैटिंग और बॉलिंग अच्छी कर सकता है, फील्डिंग भी, वो जो खिलाड़ी होगा वो कहीं ना कहीं अचानक से आके और एक अच्छी पारी खेल जाए या अच्छी बॉलिंग कर जाए, विकेट्स निकाल के ले जाए या अच्छी फील्डिंग करके कोई मुश्किल कैच पकड़ ले और अच्छा जो खिलाड़ी खेल रहा है पाकिस्तान का उसको आउट कर दे, इस तरह की स्थिति बनेगी। ऑलराउंडर जो होगा उसका जो रोल होगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा भारत की, अगर हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की। तो अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के परफॉर्मेंस की कि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उसके लिए कार्ड आए हैं फोर ऑफ वेंड्स कार्ड, एक पहला, ये दूसरा है एट ऑफ पेंटेकल्स कार्ड और आखिरी जो कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटेकल्स कार्ड। तो देखिए शुरुआत जो होगी मैच की तो उसमें पाकिस्तान लीड करेगी, पाकिस्तान का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा बिल्कुल, फिर कहीं ना कहीं बीच मैच में आके या बाद में आके थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं या तो कुछ जैसे बैटिंग कर रहे हैं तो विकेट्स खो देंगे, या अगर बॉलिंग कर रहे हैं पहले तो शुरुआत में अच्छे विकेट्स निकाल लिए, एक दो या तीन विकेट्स निकाल लिए और फिर वापस से एक पार्टनरशिप बन गई भारत की, तो शुरुआत अच्छी रहेगी, टॉप से शुरुआत करेंगे लेकिन थोड़ा सा फिर ग्राफ नीचे आएगा। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर से कहीं ना कहीं आखिरी में जाके कहीं ना कहीं वो एक क्विक एडजस्टमेंट करेंगे और एक ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, सेटिस्फेक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगा पाकिस्तान का, अगर हम बात करें बैटिंग बॉलिंग या फील्डिंग में। अब जो आता है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मैच कौन जीतेगा, मैच कौन जीतेगा, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए कार्ड आए हैं द हाई प्रिस्टेस कार्ड, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद सिक्स ऑफ कप्स कार्ड, ये कार्ड आया है और उसके बाद आया है टेन ऑफ वेंड्स कार्ड। तो ये कार्ड ये शो करता है कि देखिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हम अधिकतर देखते हैं कि रोहित शर्मा की वाइफ है जो रितिका जी वो स्टेडियम में अधिकतर रहती है, या विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा स्टेडियम में अधिकतर रहते हैं, या दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनकी भी वाइफ या फैमिली वाले स्टेडियम में रहते हैं। तो अगर उस दिन, उस मैच के दिन पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा उस दिन अगर रोहित शर्मा जो है उनकी वाइफ या रितिका नाम है शायद उनका, रितिका जी वो, या फिर अनुष्का शर्मा अगर स्टेडियम में रहती है, मतलब लेडी लक ये वहां पर काम करेगा, अगर किसी भारतीय क्रिकेट प्लेयर की जो प्लेइंग 11 में है उनकी वाइफ वहां पर है तो लेडी लक वहां पर काम करेगा। और पाकिस्तान की फील्डिंग, अगर पाकिस्तान ने क्रूशियल मोमेंट्स पे कैच छोड़े या फिर कोई रन आउट चांस मिस किया या विकेट नहीं निकाल पाए, या अगर बैटिंग टारगेट अचीव कर रहे हैं तो आखिरी ओवर या एंड मोमेंट क्रूशियल ओवर्स में जाके अच्छे से रन नहीं कर पाए, और अगर हम यहां पर बात करें भारत को टारगेट अचीव करने की तो वहां पर स्ट्रेटेजी अच्छे से प्लान नहीं कर पाए तो फिर वहां पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है भारत के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें विनिंग परसेंटेज देखें अगर, तो भारत का जो विनिंग परसेंटेज है वो 70 से 80% के बीच में है ना। अगर जैसे टारगेट अचीव कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी अच्छे से प्लान नहीं की कैसे टारगेट को अचीव करना है, अगर डिफेंड कर रहे हैं तो वहां पर किस बॉलर का यूज कब करना है, इस तरह की स्थिति एक अच्छे से प्लान करना पड़ेगा अगर भारत को जीतना है तो, क्रूशियल मोमेंट्स पे भारत को अच्छा खेल खेलना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो कार्ड है टेन ऑफ हैंड्स, ये कार्ड थोड़ा सा भारत के फेवर में जाता नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी प्लानिंग थोड़ा सा उनका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इस कारण से जो भारत का विनिंग परसेंटेज है वो 70 से 80% के बीच में रहेगा। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की कि पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान जीतेगा ये मैच, तो उसके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड, उसके बाद फाइव ऑफ सॉर्ड्स कार्ड,
और उसके बाद जो कार्ड आया है वो सेवन ऑफ कप्स। तो ये कार्ड ये शो कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान के चांस ज्यादा हैं। कैसे? अगर देखिए, अगर जैसे मैंने बोला कि शुरुआत पाकिस्तान की अच्छी रहेगी, जो मैच की शुरुआत होगी शुरुआत में अच्छा खेल होंगे, शुरुआत में अगर वो काफी अच्छा खेल गए तो फिर पकड़ भारत की वहां से थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। और अगर हम बात करें कि चांस कौन आगे बढ़ेगा, तो देखिए अगर बैट्समैन की हम बात करें तो बैट्समैन अगर अच्छा खेले तो चांसेस ज्यादा हैं। अगर अच्छा पहले बैटिंग करते हुए टारगेट ज्यादा अच्छा सेट कर दिया, कोई मुश्किल टारगेट, तो यहाँ पर फिर भारत को प्रॉब्लम हो सकती है। फील्डिंग टाइट रखनी होगी पाकिस्तान को, अगर फील्डिंग अच्छी रहती है तो ये भी उनके फेवर में जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर परसेंटेज की बात करें तो 80-85% विनिंग परसेंटेज पाकिस्तान का है, 70-80 भारत का और 80-85 पाकिस्तान का। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के स्लाइटली चांस ज्यादा है, थोड़े से मतलब 19-20 का अंतर है, लेकिन दोनों का अगर बात करें तो पाकिस्तान के चांसेस यहाँ ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन जो मैंने बताया, अगर क्रूशियल मोमेंट्स पे जाके जैसा मैंने बताया अगर वैसा खेल खेला भारत ने तो यहाँ पर चांसेस भारत के ज्यादा हो जाएंगे। तो ये था वीडियो पूरा भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप में जो मैच होने वाले ग्रुप लेवल का, उस पर आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपके कोई सजेशन है। जैसे इस वीडियो में काफी सजेशन आए थे तो ये वीडियो हमने बनाया, तो और भी आपके ऐसे कोई सजेशन है जो कोई टॉपिक है जिसपे वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।